मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को शहर विधानसभा क्षेत्र के राप्ती नगर मंडल के 5 बूथों पर भाजपा की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से बूथों पर सक्रियता बढ़ाकर भाजपा को मजबूत करने का आह्वान किया। आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत भाजपा के बूथ पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कवायद शुरू की है। विधानसभा चुनाव में जिन बूथों पर कम मतदान हुआ अथवा जहाँ भाजपा का प्रदर्शन कमजोर रहा उन्हें चिन्हित किया गया है। बूथ सशक्तिकरण अभियान के अंतर्गत ऐसे कमजोर बूथों को जीतने के लिए बूथवार रणनीति बनाई जा रही है। इन बूथों पर पार्टी की स्थिति मजबूत करने की जिम्मेदारी पार्टी नेताओं को सौंपी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को MBS बैंक्वेट हॉल में शहर विधानसभा क्षेत्र के राप्ती नगर मंडल के 5 बूथों बूथ संख्या 137, 138, 139, 140, 141 पर पार्टी की स्थिति की पार्टी व बूथ पदाधिकारियों के साथ समीक्षा की। इन बूथों पर विधानसभा चुनाव में अपेक्षाकृत कम मतदान हुआ था। मुख्यमंत्री ने सभी बूथ अध्यक्ष और समिति के सदस्यों पर से पर्चे प्राप्त किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने हर बूथ के बूथ अध्यक्ष से अलग अलग संवाद कर यह जानना चाहा कि उनके बूथ कमजोर क्यों हैं। उन्होंने बूथ मजबूत करने के लिए सशक्त बूथ कमेटी के गठन पर जोर देते हुए कहा कि काम कठिन हो सकता है लेकिन संभव है। उन्होंने बूथ पदाधिकारियों से यह जानना चाहा कि उनके यहाँ सरकार की योजनाओं को कितने लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कम मतदान होने की वजह पूछी। बूथ पदाधिकारियों ने मतदाता सूची में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि कई पात्र लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं थे। मतदाता सूची में नाम की गड़बड़ी के कारण बहुत सारे लोग वोट नहीं डाल सके। मुख्यमंत्री ने इसको गंभीरता से कहा कि बूथ पदाधिकारियों को अपने BLO से नियमित संपर्क कर मतदाता सूची की गड़बड़ियों को दूर कराएं, पात्र लोगों का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाए, युवाओं को मतदाता बनाने पर खास जोर दिया जाए, जो लोग वहां नहीं रहे उनका नाम मतदाता सूची से हटवाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्र व प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने बिना किसी भेदभाव के लिए समाज के हर वर्ग के लिए कार्य किया है। सरकार की योजनाओं का अनगिनत लोगों को लाभ मिल रहा है। भाजपा कार्यकर्ता हर लाभार्थी और आम लोगों से संवाद करें। उन्होंने भाजपा सरकार की उपलब्धियां बताएं, शासन की योजनाओं को लाभपात्र लोगों को दिलाने में मदद करें। हर बूथ पर महिलाओं को अपनी टीम से जोड़ें, महिलाओं को नजरअंदाज ना करें, उन्हें पार्टी के कार्यक्रमों में आमंत्रित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर बूथ पर विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करना होगा। वार्ड में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ शहीद के परिवार होंगे, उन्होंने पार्टी के कार्यक्रमों में बुलाएं, उन्हें सम्मानित करें। समस्याओं के समाधान के लिए सिर्फ बातचीत ना करें बल्कि इसका समाधान भी कराएं, इससे लोगों में भाजपा की विश्वसनीयता बढ़ेगी। बैठक की प्रस्तावना महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने रखी। अध्यक्षता राप्ती नगर मंडल अध्यक्ष अजयमणि त्रिपाठी ने की। बैठक में क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह व सांसद रवि किशन शुक्ल समेत 5 बूथों के अध्यक्ष व पदाधिकारी मौजूद थे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता और सदर सांसद रवि किशन शुक्ल ने कहा,
देखते हैं। आपके इस बूथ पे कुल कितने वोटर है? 720। 720 है। और क्या क्या काम करते हैं लोग? हमारे कॉलोनी में रेलवे कॉलोनी है, सारे रेल एम्प्लॉय है, सब रेल के ही कर्मचारी हैं। जी, हमारे यहाँ सारे रेल एम्प्लॉय कॉलोनी में। लेकिन जैसे व्यवसाय जो करते हैं उनके फैमिली मेंबर करते हैं, जैसे कुछ लोग बिहार से आके बसे हुए हैं तो यहाँ रेलवे नौकरी करते हैं, तो लोग रिटायरमेंट हो जाते हैं या फिर ट्रांसफर हो जाता है, तो वो लोग चले जाते हैं अपने गाँव या चले जाते हैं। ये सब आपका जो बूथ है पूरा सरकारी रेलवे की कॉलोनी है, सरकारी कॉलोनी है सर। ठीक है, लाभ कम मिलता है। स्वच्छता का कार्यक्रम क्या बीजेपी के साथ आगे बढ़ा देना, अन्य शासन की लाभार्थी प्रक योजनाओं का लाभ। सशक्तिकरण अभियान केंद्र के द्वारा चलाया जा रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी जिन बूथों पर हारी हो या जो बूथ हमारे कमजोर हो, जहां वोट का परसेंटेज कम हो, ऐसे बूथों पर हम सभी बूथ सशक्तिकरण अभियान चला रहे हैं। उसी निमित्त आज गोरखपुर शहर विधानसभा के जो 49 बूथ हैं उसमें से 5 बूथों की ये बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी, चूँकि हम सबका सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे विधायक भी हैं शहर विधानसभा से, केंद्रीय नेतृत्व ने यह तय किया था कि हमारे सभी विधायक और सभी सांसद इस बूथ सशक्तिकरण अभियान में खुद जाएंगे, बूथ समिति के साथ विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे ताकि उस बूथ पे हम और कितना अच्छा कर सकें कि भविष्य में उन बूथों को चुनाव जीत सकें। इसी निमित्त आज हम सबका सौभाग्य है कि मुख्यमंत्री जी हमारे वहाँ से विधायक भी हैं, तो आज उसी कड़ी में वो खुद चलकर बूथ समिति की 5 बूथ समिति की बैठक लिए, 5 बूथ समिति के सदस्यों से संवाद किए और कारण जानने का प्रयास किए कि हम वहाँ क्यों कमजोर हैं ताकि भविष्य में हम वहाँ चुनाव जीत सकें। मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि चूँकि ये बूथ जो 5 बूथों की बैठक हुई है ये रेलवे से संबंधित बूथ थे, इसमें तमाम लोग अपना घर छोड़ के चले गए हैं, तब मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बूथ के हमारे समिति के लोग मिल के उन फर्जी वोटरों को जो अब यहाँ से चले गए हैं उनका नाम कटवावें, जो नए वोटर हैं उनका नाम जोड़वावें, निश्चित ही जब ये कार्यक्रम पूरा होगा तो हम वो बूथ 100% जीतेंगे, ये हम सबको पूरा विश्वास है। 24 में क्या मंजूर है? 24 ये सब 2024 की ही तैयारी चल रही है ताकि हमारा कोई भी बूथ कमजोर बूथ न रह जाए, जो कमजोर बूथ हैं उनके छांट कर हमारे पदाधिकारी लगाए गए हैं, सभी माननीय सांसद माननीय विधायकगण लगाए गए हैं, उन सभी कमजोर बूथों पे जा रहे हैं, वहाँ पे लाभार्थियों से मिल रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं ताकि भविष्य में 2024 में हम उन बूथों को जीत सकें। बूथ को कैसे मजबूत किया जाए? और यादव समाज वैसे वोट कर रहा है, मुसलमान समाज वोट कर रहा है, मुसलमान समाज की तो हमारे मंडल अध्यक्ष जी, हमारे बूथ अध्यक्ष, हमारे सारे कार्यकर्ताओं को महाराज जी ने एक अलग ब्लड संचार किया, उनके अंदर एक अलग ऊर्जा दी और कहा कि आप लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, नड्डा जी, जैसे जैसे जो जो कार्यशैली को बताएं, बंसल भाई साहब, हम लोग उसी कार्यशैली को लेके, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महानगर अध्यक्ष जी राजेश गुप्ता जी, सब लोगों के साथ, जिला अध्यक्ष जी के साथ हम लोग कार्य पर लगे। 80 की 80 लोकसभा सीट हम लोग जीत रहे हैं।